वेलकम बैक रोही की खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, बहुत सारी खुशियां हैं और हम आपके साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। ईद का पहला दिन है, यकीनन आप बहुत बिजी होंगे, बहुत कुछ चल रहा होगा घर पे, लेकिन हम यहाँ पे जमशेद साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे बातें भी चल रही हैं, गपशप भी चल रही है। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। और दोबारा से इंट्रोडक्शन करा देते हैं जो लोग अब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करा देते हैं। आपने पहले सोबिया मलिक करवाया था, फिर हम सोबिया मलिक का इस दफ़ा तारुफ मैं करवा देता हूँ। okay. इस खत्ते की मारूफ गुलूकारा हैं और उन्होंने कम वक्त में सराइकी फोक सिंगिंग में अपना नाम बनाया है। वो हमारे साथ, इनसे गपशप चली है, हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ सलीम लाबर साहब जो PTI के MP हैं मुल्तान से मौजूद हैं। और बिल्कुल हल्की फुल्की जो गपशप हमारी पहले हो रही है, हम अपने सिलसिले को वहीं से जारी रखेंगे। और हमारे साथ हर दिल अजीज़ कासिम खान साहब लंगा जो जलालपुर पीर वाला से मुल्तान की तहसील से आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले MP हैं। और कमाल ये है कि इन्होंने अपनी आज़ादी अभी तक कायम रखी हुई है। और अभी जैसे लाबर साहब अभी इनको कह रहे थे ना, दोस्ती भी कायम रखी हुई है, दोस्ती भी इनकी हर किसी से है, ऐसे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसमें ये आज़ाद हैसियत में रहने का आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? काफ़ी फ़ायदा हुआ। सबसे मैं मिलता हूँ, ये लोग डरते रहते हैं कि फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ से नहीं मिलना, देख ले हमारी पार्टी वाला। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर किसी से मिलता हूँ। ये है आज़ादी। हाँ, आज़ादी ये है, मिलता रहता हूँ। मतलब आज़ाद कामयाब होने का सबसे फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब मर्जी जिससे मर्जी मिलते रहें, आपको कोई नहीं पूछेगा। लाबर साहब, ये आप इंडेक्ट आपको कहा है कि आपकी कई मजबूरियाँ हैं, वाकई कई मजबूरियाँ, अपने सियासी मुखालफिन या जो मुख्तलिफ जमातों के लोग आए हुए हैं उनसे नहीं मिल सकते, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ से? देखें, ये एक हम पर जो पाबंदी, अपनी जमात की जो पाबंदी होती है, वो देश के कि हमने अपनी जमात के साथ वोट करना है। बाकी मिलना मिलाना तो एक और बात है कि हम क्यों नहीं मिल सकते, हमारी अपनी सोशल लाइफ है, हम उनसे मिलते हैं, करते हैं। बाकी जब हमारे जमात का जिस वक्त आता है, फैसला आता है तो वो हम उसे उबे करते हैं, क्योंकि हम जमात के पाबंद हैं, हम उस टिकट पे आए हैं। बाकी मिलना मिलाना कोई नहीं है, खुशी कमी सबके साथ। नहीं, गलत कह रहे हैं, ये कम ही मिलते हैं, कम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको जी, कि राणा एजाज नो ने, उससे मैं असेंबली में जितनी दफ़ा बैठ के हम एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, या जो दोस्त हैं, वो हमारी मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जहाँ पार्टी का मफाद है वो हमें जो है ना सबसे पहले मुकदम है, हम पार्टी के साथ। अच्छा, मैं कह रही थी कि हम किचन की भी बातें करेंगे, किचन से पहले तैयारी की बातें करेंगे। और सबसे पहले फिर मेरी तैयारी से शुरू कर लेते हैं कि मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये है क्यूमीन ब्रांड का। आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और ये ड्रेस 3 पीस क्यूमीन का है और ईद कलेक्शन से है। ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे ख़ास ख़ास से लोग हैं, ख़ास ख़ास से बातें हैं, तो ख़ास ड्रेस का भी जिक्र ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि आपको ये फ़ायदा पहुँचा दिया जाए कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई प्यारा सा ड्रेस, और शादियाँ भी चल रही हैं बहुत सारी, और आपको चाहिए कुछ रीज़नेबल प्राइस में, तो यू कैन हेड ऑफ टू क्यूमीन। उनका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक कीजिएगा इनका पेज। और अब हम गाने की तरफ आ जाएं। बिल्कुल, अगर नहीं कर मुझे सकते ये बताएं, ये रिजवानी साहब ने भी वो क्यूमिन से पहना हुआ है, ये आई मीन, ये आई मीन से है, ये जो मेहरबानी थी ना, ये मेरे ऊपर, ये आई मीन। अच्छा, किचन का पहले हम जिक्र करें ना, मैं काफी देर से किचन के बारे में जानना चाह रही हूँ। वो कह चुकी है, किचन में घुसती नहीं है, सिर्फ खाने के लिए घुसती है। वैसे ना, एक दफा मेरे अब्बा जी ने आखा आधे पहनना, वो तो मेरे को है ना जरा एक वसल बना के आंदे, मैं वसल कप गिदा उंदे छिलर लहा गिदे को कप के उंदे लोन मरचा हल्दी सुके धानिया काले मरचा मरचा जेड़े वेले उंदे जाली चाह के गया मम्मी को आदन पुत्र तिड़के ही लई आवे पिछे कुल्ली ते बच क्या बच गया बाकी ते बाकी है ना पकावण दे पकावण में मुश्किल लेकिन खांदी जायकेदार शै जेड़ी चंगी होवे ना। अच्छा, ये जो माशरे का प्रेशर है, ये खाना बनाना आना चाहिए, खास तौर पे गोल रोटियां, क्योंकि मैं अभी तक इस काम में इन नहीं हुई और मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है, तो ये प्रेशर सही है कि आना चाहिए? मुझे तो लगता है आगे आगे जेड़े नक्शे बनने बेहतर है।
रोटी गोल नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी शेप की हो सकती है, कोई इशू नहीं होता। जबले ऐसा ऐसा बंदा तरीका हाँ। तो खुद ब खुद ही गोल पकड़ लग जाएंगे। अच्छा कोई और अच्छा, मतलब हमें ये मुआशरे का जो ये प्रेशर है ना, ये रहने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया, चले गोल रोटी के बाद अब गाने पे आ जाते हैं हम। जो मैं पूछना चाह रही थी ना वो मैंने पूछ लिया है। तो गाना मैं हम तक शक शुजाबादी साहब का गीत सुने सा अपना। अच्छा ताजी साहब दी नजर चले, जरूर सुनेंगे आपसे और एंजॉय भी करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद है और ईद का पहला दिन है और हम ईद की जो खुशियां हैं वो अपने नाज़रीन तक अपने स्टूडियो के मेहमानों के ज़रिए भी पहुंचा रहे हैं और हमारे मेहमान बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, गीत गा भी रही हैं हमारी एक मेहमान, और साथ साथ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब भी लिए जा रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले महजबीन आबिद मेरी एंकर हैं और उन्होंने एक सवाल उठाने की कोशिश की थी और कहा था कि मैं बहुत ये सवाल मैंने करना है, बस करना है, तो ये मौका मैंने दिए देता हूँ कि आप सवाल कर लें, फिर बातें बाद में हो जाएंगी। पता चले जितनी एक्साइटमेंट मुझे उस सवाल से उतनी एक्साइटमेंट अगले लोगों को ना हो। अच्छा, आपने जो भी गाना गाया, रुस जाने की बात हो रही थी इसमें, दोस्त भी बैठे हैं हमारे सामने, तो कभी रुस जाने वाला सीन हुआ है आप लोगों के दरमियान? आप दोनों भी एक दूसरे से नाराज हुए? कभी नहीं हुए, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा मोटा रुस जाते हैं, छोटा मोटा रुसते तो कोई ऐसी बात नहीं, आप भी नाराज हो जाते हैं इनसे? जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन फिर मनाता कौन है आपको? नियत ठीक हो तो फिर छोटे मोटे मनाता कौन है आप में से? खुद ही मान जाते हैं, अगर कभी मेरी वजह से हुई है तो मैं मना लूंगा, अगर उसकी वजह से है तो वो मना लेगा। अगर हम दोनों को थोड़े से आगे जाएंगे तो फिर वैसे ये किरदार जो है खान साहब ज्यादा करते हैं कि जो रूठा हुआ हो उसको बड़े आराम से मना के सबको इकट्ठा सब कर देते हैं। और जो ईद पे रुके मैं रुठ रहा यार मनावना है। सर आपको मनाना आता है? जी मुझे आता है, लेकिन कब से आ रहा आपको ये शेर? तो सुन ले, नहीं नहीं सर, अरे शेर आप पहले शेर सुनाएंगे आप मुझे? हन के कु होश नमाज आंदे कुठे पे हैं यार दे नाज आंदे। हां ठीक है भाई, ठीक है रहना। चलो हूं दसो कि मैं यार कुठे पे रहा लग रहे रुठ रहे यार की मैं मनेंदा जवानी यार मनाया रुठरा यार कई दफा मनायन सही है कोई गाल है। अच्छा वो ढोल की में मने दे आवे ढोल भी मना गिन कमाल है। अच्छा, ना कोई गिफ्ट गिन देता कोई तोहफा गिन देता कोई कई तरीके मनावण दे। अच्छा हां तो कोई इंदे नाल तो सही अपना तो फिर नाल को नाराज दी वे हां तेरे से मैं क्यों बोलूं आप भी कुछ बोले ना। ना मैं वो तो तुझे दसो कि मैं यार मने देवे मेहनत कर के दी जिवे जे रहे अपनी गलती मान के दी ते मना किता। एक कासिम लंगा साहब को मनावण दी गल नहीं थी, नहीं जवानी दे यारों की मना जावे ये जवानी वेले जेड़े वेले कहीं को अगर मनावणा होंदे ना तो तुसा सोचे के ऐसा मनावणे उंदे इस वल तरीके ही निकल आने तो सब नहीं नहीं बड़े तरीके आंदे ना। हुन असेंबली च एक दू कोई कलीग नाराज थे, इन्होंने कमाल तरीके नाल मनाया। आपको जलन नहीं होती किससे? मतलब भाई वो मेरे दोस्त हैं, मना वो किसी और को, किसी और को क्यों मनाए, वो मुझे मनाए भाई। वो हैं जो दिल फेंक जहां जाते हैं वो दिल फेंक हैं। सारा मामला ही यही है। अच्छा ये कहां का दिल फेंक चुके हैं अब तक? मैं तो असेंबली में देखता हूँ और इधर जहाँ भी देखता हूँ इनकी, मतलब मैंने जहाँ भी देखा इनकी दिल फेंकते देखा, दिल फेंकते देखा। मेहरबानी करो लाइव चलता पे कौन मैं तो घर नहीं डरता, कोई नहीं डरता, पता हूँ गिन जुलो में गुलाब रंग गिन जुलो जिदे वो अस नाल है थोड़े तो इन्हें तो बहरहाल रुस ना गया उन्हें असेंबली तो जनाब वन मनाया हा उन्हें को मनाया कैसे था कैसे मनाते हैं? बस आख्या ने असा ये तो सराकी हम टीवी पर बैठा से मैं तो नल गलत बोल बैठा मैं मुकाला मल ले इन तरीके नाल आ गया यानी क्या आप आप धोती में आप अपने आप गलती मानते हैं आप गलती मानते हैं रियलाइज करते हैं कि मैंने गलती की है और जब आप करते हैं अगर कोई गलती होती है कोई आपसे रूठ जाता है तो आपके अंदर ये होता है हाथ चब देना है देखो हाथ सीधा माफी मांगना छोड़ो किस्सा ही मुकाओ किस्सा मुकाओ आपको रूठा ना मेरे से मैं यार मान लेंगे।
वाकई आप सीख रही हैं? जी मैं सीख रही हूं। तो फिर मेरे लिए ऑनर है। मैं कहना इंसान हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है, राह चलते बंदे से भी, किसी के साथ दो घंटे बैठ के बात हो रही हो तब भी सीख लेता है, सीखना हो तो दो सेकंड में भी सीख लेता है। मैं तो रिजवानी साहब को सीखता बैठा ना, हर वेले मुस्कुराते रहने, खुश रहने, माशाल्लाह। मैं जी मैं तुम्हारी जिंदा दिली देख के मेरे को खुशी थी हमेशा। अच्छा हमेशा होना चाहिए तो बंदा खेला के जिंदगी गुजारने में बेहतर है। सुबिया आप बताएं कि कैसे लोग यहाँ रिस्पॉन्सिव हैं, अब सराइकी गीत के हवाले से सुन रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं? अब आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, कोई टीवी आपको बुलाए ना बुलाए, कोई रेडियो आपको बुलाए ना बुलाए, आप यूट्यूब पे हैं, अपना फेसबुक पेज पे हैं, इंस्टा आपके पास है, टूल्स आपके पास हैं अपने आपको मनवाने का, तो मनवा रही हैं, आसान हो गया ये अपना मैसेज देना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले को लोग काफ़ी शायदर, लेकिन जिठा मैंने उर्दू पंजाबी दिन इस पर सरैकी ज़्यादा पसंद करने लगा। तो आई सरैकी गीता को पसंद किया क्या ज़्यादा? बहु सरैकी में उर्दू में मैं हर लैंग्वेज कर गई, पंजाबी च कर गई, उर्दू में कर गई, सरैकी कर गई हाँ। तो लेकिन जिठा मैंने हूँ जितनी प्रमोट सारी सरैकी है ना, उतनी कोई जबान नहीं थी और हर कोई समझे तू सभी ना इलाके वनो, अगर इस्लामाबाद में मरी में देवे कराची जिथे भी नहीं, लेकिन उन्होंने पहली फरमाइश ने सब सरैकी सुना। सरैकी गीत लोग वाकई बहुत सुन रहे हैं हर गाड़ी में, इतना पसंद करने लगता है। मतलब जो गुलूकार आए हैं इस इलाके की, उनमें से एक सोबियां जो हर वक्त ही सरैकी जो अजरक है ना इनके उस पे सवा रहती है हर वक्त, आप इसके बात ही नहीं कि आपको अपनी अपनी क्यों मीन से फुर्सत मिली आपने, तो ये जो तैयारी झोंक नगर की अजरक है आपने उसको भूल गई है आप। इससे कितनी simplicity promote हो रही है, वैसे आपने ये इस बात का भी जिक्र नहीं किया, सादगी सादगी का एक एक identity है ना, color सराइकी कल्चर को प्रमोट करने की, हमारे खित्ते की पहचान है ये, मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक तो आप समझते हैं कि मैं हर बात भूल जाती हूँ। मैंने कब कहा? मैं नोट कर रही होती, मैं ऑब्जर्व कर रही होती, मैं याद मुझे कराना पड़ा, मैं बोलूं सर लड़ो ना। नहीं नहीं हम ईद के दिन पे हम नहीं लड़ते हैं, बाकी सही गाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कासिम खान साहब और आपने फिर सवाल साहब को थोड़ा बहुत सवाल कहीं बीच में रह गया, सवाल कर लूं मैं, एक सवाल आ रहा है, एक सवाल। अच्छा जी दोस्त सवाल आ रहा है, एक एक सवाल जी जी। सवाल ये है कि जो ईद पे रूठ जाएं फिर बता क्या करें, ईद पे रूठे हुओं को कैसे मनाएं? तो पहले मना फिर भी देखें, जुमला ये है कि रूठे हुओं को भाई रूठे हुए को कैसे मनाए समझ आती है, रूठे हुए को कैसे मनाए ये भी एक सवाल है। मैं तो पहले मना गई हूं कि मैं तो कहीं डाल के मना करती हूं तो कैसे मनाए फिर रूठे हुए को कैसे मनाए? रोशनी ईद डाल दी मां तो वाल पहले के मैंने सो पहले रोगने जरूरी ईद तलाक को रोवण का मौका देवने उन कुछ कुछ रोशनी ईद डाल दी गीत कर रहे सुन दो क्षण प्रेरण सट नहीं मिंदे वो बंदे मनी मनी जवेंदन या सारी सराय की दिए पग ला ते किसी भी खातून का महबूब उससे ईद के दिनों में रूठ जाए या कई महबूब एक दिन में ईद के दिनों में रूठ जाए तो क्या किया जाए? जरूरी है कि महबूब भी दोस्त भी हो सकते हैं? अपने जेडी गलती होवे आप तस्लीम चक्कर हां इसी मेरी गलती है, मेरी गलती है सॉरी कहें तो हो जाएगा। हां बोल बंदे बंदा बिल्कुल और अगर कुछ से सॉरी ना माने तो मर्द मने मने ने ना मर्द को मर्द मने ए औरतें को मने ज्यादा। अच्छा अब बात आई है ना, अब इसके बारे में बात वो पॉइंट आउट कर रहे थे आपको समझ नहीं आ रही थी, जेड़ा आखिर समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, गलती क्या नहीं असा गलती नहीं कीती ते साकू मुफ्त दी सजा मिली। एक और पॉइंट आ गया, देखो सवाल बढ़ते जा रहे हैं, सवाल करूंगी मैं, बातें करूंगी और बातों को खींचूंगी भी क्योंकि यही मेरा काम है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं माँ जबीन आबिद के साथ, आपके साथ, और जो स्टूडियोज़ में मेहमान हैं उनके साथ, और मेहमान नाज़रीन के साथ खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जो चेहरे पे है वो मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप जो जुमलेबाजी है ये सिर्फ या एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, वो असल में
इस रूही के देखने वालों को खुश देखना चाहते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, वो इनकी इस तरह की गुफ्तगु से खुश हो रही थी। शौरी तौर पे कर रहे हैं जो खान साहब है ना, ये कोशिश, अगरचे उनके निशाने भी कुछ हैं लेकिन फिर भी ये जो कोशिश है उनकी ये जारी है। बस एक और जुमला मेरे, फिर आगे जुमला, फिर सवाल नहीं आया, सुनकर इस बार जुमला आया, जुमला आ गया। और जुमला ये है कि हम ईद मना रहे हैं, हम रूठे हुए को भी मना रहे हैं। ये तो बात आपने बताई नहीं कि हम अभी क्या कर रहे थे, हम रूठे हुए को मनाने का तरीका जान रहे हैं। कौन रूठा हुआ है? मेरा ख्याल है बहरास आते हैं भाई, जिसको आपने मनाना है मैसेज करें, मना रहे हैं जी, मना रहे हैं। तरीका ही तो जानने की कोशिश आप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बताएं कि जी मैं सरेंडर कर रहा हूं, ये कर रही हूं। हां आप शुरू करें फिर। जी जी। अच्छा आप ठीक है, लाइव हैं हम अभी, आपसे कोई रूठा हुआ है और आपकी गलती है, सिचुएशन हम ये बना रहे हैं कि आपकी गलती है, आपको इंटरनली पता है, आपको गिल्ट भी है, आप गिल्टी हैं कि जी मैंने तो ये गलती की, अब मैं करूँ क्या। ठीक है, अगला बंदा या बंदी, कुछ भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते, रूठा हुआ है, मना के दिखाइए। मसलन ये रूठी, ये रूठी हुई है, मना के मना ले, मैं रूठ गई आपसे, यस ओबिया रूठी हुई है, मना ले आप, मैं रूठी हुई, मैं एक तो घर आ जाऊंगा इनके जी, और कुछ ना कुछ साथ लाऊंगा, गोश्त लाऊं चाहे केक लाऊं, कुछ बकरा, हां तो गोश्त, मैं गोश्त नहीं खाती, तो फिर केक, मैं रूठी हूं, केक तो खाती है ना, मैं केक भी नहीं खाती, तो क्या खाती है फिर आप, आपको ये पता नहीं चल रहा, मेरी बात है ना, आपको मेरी सेहत पता, अच्छा सोफिया को राजी करनी, ये राजी नहीं होने वाली, ये राजी नहीं होने वाली, आप सोफिया को राजी करो रोज, मैं जानना चाह रही थी ना, आपके लिए कोई गिफ्ट लाएंगे, कोई केक लाएंगे, कोई कपड़े लाएंगे, कोई जेवर लाएंगे, और क्या है इससे ज्यादा, और अपनी गलती तस्लीम करेंगे, गलती आपने तस्लीम कर दी, चलिए फिर हम आपको चाय पिलाएंगे, बस ठीक है, बस चाय, मनीष की और सेवल भी क्या हो रहा है, बस इतनी बात। अब आप, आपकी सिचुएशन ये है कि आपने जो रूठा हुआ शख्स है उनको मनाना है, चलें सवाल बदल दें, आप नहीं सवाल नहीं से करते हैं, लेकिन हाँ। सवाल बदल दें, हाँ, इनको कहें कि आप किसी को नाराज करके दिखाएं, मैं तो मिनट ना लाऊं, नाराज करके दिखाएं जी, मैं तो कर देनी हूं मिनट, आप कासिम खान साहब को, कासिम खान साहब को नाराज करके दिखाएं, ठीक है ठीक है, नाराज करना है, ठीक है, चलिए आप, वो कोई गुस्से का इजहार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ शदीद गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ठीक आपने गुस्सा निकाल दिया, ऐसे ही होता है, गुस्सा करता है अगला बंदा नाराज, लेकिन मैं जब इन इतने अच्छे इंसान के, मैं को नहीं लगता कि गुस्सा थी दे बन करा ही ना से, है ना, बिल्कुल ना लगता, कह नहीं सिर्फ कासिम साहब, उन्होंने आंखें क्यों नजर आवे, अच्छा आप मुझे नाराज कर देना, पर आपने नाराज करना, आप तो वैसे ही नाराज बैठी हैं, बस तुम उनकी सिचुएशन में नाराज थे, लेकिन मैं खुश हूं, मैं हंस रही हूं, अभी तो देखे ना आपके ये जो क्वेश्चन हैं, ये हैं, ये इंतहाई नाराजगी वाले हैं, चले मना लें, मना के दिखा, वो तो कासिम खान ने आपको मना दिया है, अभी भी मनाए ना, चलो सर को मना दें, जमशेद साहब को पहले दसो रूठे कदणा में मनावा में कोई दसो, अभी भी रूठ गए, अभी भी रूठ गए, जरा ईद वाले दिन रूठ गए हैं, जरा ही ना, बिल्कुल माशाल्लाह सही बैठे, खुश बैठे, उन्होंने मनाना है और हैप्पी हैप्पी मूड है, चल नहीं मनाना चाहते, नहीं मनाना चाहते, मनीष गए ना, मनीष ये वो गीत सुनाया, आप मनीष गए, मनीष गए, ए देखो ए मनीष गए, मैं मनीष गए, सरंडा किवें से क्या बाकी एक बच गए, नो नगन पूछ गए, नो सर तुसे नाराज होना चाहते वे, ये नाराज करना चाहते वे, ना सो नाराज सी ने, ना नाराज करे ने, बल्कि खुश कहने वे, खुश कहने वे, असन जेंडर भी दसो चाहते असन असन जी, की को नाराज कर सो जी, की को नाराज नहीं बे थी, किने नाराज नहीं बे थी, ये थी वे, मैं तो बिल्कुल कहीं ना नाराज नहीं, ना लेकिन मेरे खवातीन नाल थी वे या मर्द नाल ज्यादा नाराज थी, ज्यादा तो खातीन नाल नाराज थे, हम तो मर्द शान में थी, नहीं क्या बात है जनाब, ये उन्होंने कासिम खान साहब तो सीखे ये ना, अच्छा जबरदस्त, अच्छा सही वक्तारे पास आने से आप इधर आते हैं, ये बताएं अगर आपको कहा जाए अब कि यादाश्त पे जोर दें और अगर आप कोई एक गाना सुनना चाहें तो वो कौन सा सुनेंगे? ये काफी सोच विचार के बाद ही बताना पड़ेगा, फिर भी एक ऐसे जो सामने एक लम्हे में बस, जैसे नूर जहां के गाने हैं, कौन सा या रफी का है, कौन सा ओ दुनिया के रखवाले सुंदर भरे मेरे नाले, ये रफी का गाना बहुत अच्छा मुझे लगता है, सुना है लेकिन ये दमों का है, इतरों में नहीं नाला, हाँ ठीक है ना, अच्छा, अभी भी गाने सुनने के शौकीन हैं आप लोग, अब ये क्या सवाल कर दिया, मौका ही नहीं मिलता कभी गाड़ी में जाता हुआ, जवाब मिल गया मुझे, अब मौका नहीं मिलता ज्यादा गाना सुनने, गाड़ी में बैठते आपका दिल करता है म्यूजिक चला लें, थोड़ा सा
कभी, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होते हैं तो उनसे बातें चाहते करते जाते हैं। मतलब लाबर साहब साथ होते हैं? लाबर साहब भी होते हैं सारे, जो खवातीन भी होती हैं हमारे साथ, क्यों नहीं, हमारी कोलीग हैं, होती हैं। तो जो भी आपके मीटअप्स होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, लाइक सब सियासी पर्सनालिटीज होते हैं या कोई अपनी भी बैठक होती है? अपने भी होते हैं, सारा दिन मैंने सियासत करनी है, मैंने मेरा अपना काम भी है, मैं बच्चे भी साथ होते हैं, कभी फैमिली होती है, कभी। तो क्या वो जो असेंबली में होते हैं लंगा साहब और जो घर में होते हैं उनमें जाहिर सी बात है बड़ा फर्क होता है, दो दो पर्सनालिटीज हो गई ना? नहीं, कोई ऐसी या आप घर में भी वैसे ही हैं? घर में भी हंसता खेलता रहता हूं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, आप सीरियस टाइप के? नहीं नहीं, असेंबली में भी हंसता खेलता रहता हूं, घर में भी हंसता खेलता रहता हूं। हंस के काम कर जाते हैं, आजाद बना, आजाद बंदा कामयाब होना और इस सिचुएशन में फिर हंसता खेलता रहता हूं। हां, हंसता खेलता रहता है, ये अच्छी बात है। काम में भी इंसान को ज्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए, हंसता खेलता रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपने काम को। बिल्कुल, आप तो एंजॉय करती होंगी अपने काम को? मैं तो बड़ा समझो ए सारा जेड़ा ए काम में इंदे छे भी यूज है, खुश रहण, बिना को खुश करन, यानी कि असा ओ हैप्पी होसन ता असा हैप्पी होसन, असा उस तो ओ होसन। अगर ओ समझो साडी सिंगिंग तो खुश थी ले पर तो सब तो बड़ी साडे वास्ते खुशी आ। एक सवाल मैं कर के, तोरा उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जिन्हें को शक्कर रखी आवे, जिन्हें को शक्कर रखी है। मैं जिन्हें को शक्कर आज तलाक नहीं रखी, मैं जड़ी सही गल कर, सब तो पहले मैं नईमुल हसन बबलू साहब का समझो एठम किया है, ऊं तो बाद रेडियो स्टेशन ते इफ्तखार हैदर साहब ते राणा खुशी मोहम्मद साहब। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं अपने जो भी है ना स्टार्ट किते क्लासिकल म्यूजिक भी सीखे। बिल्कुल बिल्कुल, हर शे। अच्छा, और है ना कि ना सिर्फ मैं आप मतलब जो भी क्या क्लासिकल क्या सुन इनको सुनना चाहते हैं, सूरत देश दे विच कोई आंदे तो को गाना देश राग एक? हाँ बिल्कुल है, और इन टाइम मेरे को जबान यानी को गीत होंगे कोई क्या नहीं, अगर तुस आखो तो मैं मैडम का एक गजल तक पेश कर सकते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत। बिल्कुल जरूर सुनेंगे, मैडम नूर जहां। अच्छा, ये देखो बाकी फरमाइश अगर तुम्हारी फरमाइश। हाँ मैं तो हाँ, हाँ, क्यों ना जरूर सुनेंगे मैडम दी, क्यों ना कुछ शेर सुनाना चाहे, कुछ शेर सुनाना चाहे। मैं मैडम दी है ना एक गजल सुनेंगी पे ताको नियत शोक भर न जाए कहीं म्यूजिक दे बगैर, म्यूजिक हां म्यूजिक दे बगैर, म्यूजिक के बगैर। बिल्कुल, मैं तारी साहब की नजर पेश करे सा। नियत शो भर न जाए कहीं, वाओ नियत शो भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। तुहाडे नाल शेर, आरजू है कि तू यहाँ आए, आरजू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। बहुत
बहुत इंजॉय किया आपके साथ, जितना भी टाइम मिला बहुत अच्छा लगा कि आपने आज यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो की। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेहमानों का शुक्रिया, बिल्कुल, कासिम खान साहब ने, सोफिया मलिक साहबा ने और सईम लाबर साहब ने वक्त दिया ईद के दिनों में, ईद की खुशियाँ मनाई हमारे साथ स्टूडियोज में और मैसेजेस भी दिए और बड़ी लाइटर साइड पे जो गुफ्तगु की, यही ईद का मकसद है, खुशी का मकसद है। ये हमारा अपना चैनल है जनूबी पंजाब का, इसके लिए हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए हम ईद के दिन हमारे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल की वसातत से, हम पूरी कौम को ईद मुबारक कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरी जानिब से, रोही की जानिब से, जमशेद साहब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ट्रांसमिशन जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, अगले सेगमेंट में आपके पास वापस आएंगे, आपसे बातें भी करेंगे लेकिन कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। लेकिन हम दोनों यहीं पे होंगे तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा। जाते हैं छोटे से ब्रेक पे और फिर जल्दी से वापस आते हैं।